खबर बलिया से है, जहां बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उचित कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर स्थानीय पुलिस लीपापोती में जुटी हुई है। मामला मनिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। जब इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को की गई तो स्थानीय पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई है। ऐसे में मामले में निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिया डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका, जरा तेज आवाज में बताइए। मेरा नाम सुशांत राज भारत है और मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हूँ। क्या बात है, अभी आप लोग कलेक्ट्रेट सभागार के पास अंदर मीटिंग चल रही है डीएम अधिकारियों की, बाहर आप लोग जमीन पे बैठे हुए थे, किस तरीके की नारेबाजी चल रही है? देखिए, मामला है मनियर थाना क्षेत्र का। वहाँ पे एक 15 साल की बच्ची के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्ची की माँ तहरीर लेके गई थाने पे। थाना प्रभारी मनियर ने उस तहरीर को हटा दिया, डांट के भगा दिया। सुनने में ये भी आया कि बच्ची को, पीड़िता को 4-5 थप्पड़ मारा भी गया है और एक नई तहरीर लिख के थाना प्रभारी के ना द्वारा और उस पर उसके पिता का अंगूठा लिया गया है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, बोले हैं यही ठीक है। और उस तहरीर में सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म का कोई बात नहीं लिखा था और उसी के आधार पर मुकदमा हो गया है, जिसमें न 376 लगा है न पास्को लगा है। जबकि जो पहला प्रथम जो आवेदन था उसमें साफ साफ सामूहिक बलात्कार लिखा गया है और थाना प्रभारी ने बदल दिया है तहरीर, केस खत्म हो गया है, पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं, इस मुद्दे को उठाने आए हैं ताकि समस्त बड़े अधिकारी इस पर संज्ञान लें और इस पर उचित धाराओं में कार्रवाई हो। गिरफ्तार तो दो लोग हुए हैं, दो लोग बाहर हैं, लेकिन उस पर उचित धारा अगर नहीं लगेगी तो केस कमजोर हो जाएगा और इस पर CBCID की जाँच हम लोग की मांग किए हैं। दूसरा, उस परिवार को सुरक्षा दिया जाए और तीसरा, उस परिवार की जो पुरानी तहरीर है उसके आधार पर फिर से मुकदमा किया जाए। उस लड़की के साथ किस तरह की घटना हुई, कब की घटना है, कैसी वारदात हुई इसके साथ? ये घटना 28 तारीख की है। उस बच्ची को दिन में 1:30 बजे घर से उठाया गया है टेम्पू में, जिसमें पर्दा लगा होता है, उसको इंजेक्शन लगाया गया है बेहोशी का, सिकंदरपुर के पास ले जाया गया है। वहाँ पे उस बच्ची के साथ चार लोग सामूहिक दुष्कर्म किए हैं दिन, मैंने शाम को, रात भर। अगले दिन जब लड़की होश में आई है तो उसके आसपास के लोगों ने उसे उठाया है, तो वो लोग बताइए कि भैया तुम इस गांव में हो या इस क्षेत्र में हो, तो बताइए कि मेरे मौसा जी का घर यहीं आसपास में है, तो उसके मौसा जी को लोग बुलाए हैं, लेके गए हैं और तब गार्जियन के पास फोन आया, तो गार्जियन पहुँच कर उस बच्ची को अपने साथ लेके आए हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उस बच्ची का जब मेडिकल कराने को हुआ तो पहले मनियर भेजा पुलिस ने, मनियर में नहीं हुआ, फिर सिकंदरपुर भेजा नहीं हुआ, फिर अगले दिन बांसडी भेजा नहीं हुआ, फिर बलिया भेजा अस्पताल नहीं हुआ, फिर बांसडी भेजा फिर नहीं हुआ, फिर बलिया भेजा फिर नहीं हुआ, उसके बाद बेलथरा रोड भेज के उस बच्ची का ना मेडिकल हुआ। आप सोचिए एक पीड़िता को इतना दौड़ाना ऐसे समय में, आप सोचिए कि ना कितना दबाव है उसमें। बांसडी की भाजपा विधायक का जी इस केस को दबा रही है, क्यों दबा रही है, उनको आके आप लोगों के सामने अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर नहीं दबा रही है तो मेरे साथ पीड़िता के ना घर चले, वो पुरानी तहरीर ले, थाने पर चले, कप्तान के यहाँ चले और जो तहरीर है ओरिजिनल उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज कराएं। उनके घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है पीड़िता का घर, आज तक नहीं पहुंची है। महिला विधायक है, शर्म आता है कि बांसडी में ऐसी विधायक है जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर इतना सा काम करना नहीं चाह रही है।